સાળંગપુર મંદિરના ભિત્તિચિત્રો બાબતે બોટાદના રોકડિયા હનુમાનજી મહારાજે હથિયાર ઉપાડતા કહ્યું, ધર્મ માટે વતપણ કરવા તૈયાર। સાળંગપુર હનુમાનજી મંદિર ભિત્તિચિત્ર વિવાદ મામલે અખિલ ભારતીય શ્રી પંચ રામાનંદી અખાડાના મહંત પરમેશ્વર મહારાજ જોવા મળ્યા આક્રોશમાં। બોટાદના રોકડિયા હનુમાનજી મંદિરના મહંતનો જોવા મળ્યો આક્રોશ। મહંત દ્વારા 24 કલાકનું આપ્યું વિવાદિત ચિત્ર હટાવવાની અલ્ટિમેટમ, જો 24 કલાકમાં ચિત્ર નહીં હટે તો સનાતન ધર્મને બચાવવા જો હથિયાર ઉપાડવા પડશે તો હથિયાર પણ ઉપાડીશું તેવું નિવેદન સાથે બાપુએ ઉઠાવ્યા હથિયાર। જય શ્રી રામ તેમજ હનુમાનજી દાદાના જય જયકાર સાથે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય મુર્દાબાદના લગાવ્યા નારા। સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સાધુઓને ગણાવ્યા ફરજ બાબા। હાથમાં હથિયાર ધારણ કરીને બાપુએ કર્યું એલાન, જો 24 કલાકમાં ચિત્ર નહીં હટે તો વધ કરવાની જરૂર પડશે તો કરીશું તેવું આપ્યું નિવેદન। मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे को यहाँ से भागने नहीं दूंगा क्या। और ना बोलो तुम जय श्री राम। सारिंगपुर हनुमान जी मंदिर जो है वह हनुमान जी को दास बताया गया है। स्वामीनारायण भगवान का क्या कहेंगे इस चित्र के बारे में आप? वो स्वामीनारायण के दास नहीं है, हनुमान जी महाराज स्वामीनारायण के दास नहीं है, हनुमान जी महाराज राम जी के दास हैं। क्या वो ये स्वामीनारायण, स्वामीनारायण मतलब कौन, स्वामीनारायण मतलब कौन, स्वामीनारायण मतलब क्या, स्वामीनारायण मतलब थोड़ा नीचे कर, स्वामीनारायण मतलब इनका कोई संप्रदाय नहीं है, स्वामीनारायण मतलब इनका कोई अखाड़ा नहीं है, स्वामीनारायण मतलब इनका कोई सिद्धांत नहीं है, स्वामीनारायण मतलब ये कोई पंथ नहीं है, ये एक फर्जी बाबा का है ना ग्रुप है क्या, जो मियाओं का पैसा विदेश से दो नंबर करने में लगे हुए हैं, असम मियाओं को भरने में लगे हुए हैं क्या। और है ना ये स्वामीनारायण कोई है ना ये हम वहाँ उल्टा सीधा हनुमान जी को, हमारे हनुमान जी को जानते हैं हनुमान जी कौन है? इनका जब स्वामीनारायण है तो स्वामीनारायण में क्यों नहीं जाते हैं, हनुमान जी में क्यों आए? जब इनका स्वामी हनुमान जी नहीं है, जब इनका शंकर जी नहीं है, जब इनका राम जी नहीं है तो हनुमान जी के चरणों में क्यों पड़े हुए हैं? ये उल्टा सीधा फोटो हनुमान जी का क्यों लगाए? ये बार बार धर्म के ऊपर में है ना, आज सनातन धर्म के ऊपर में, हमारे ऊपर में, हमारे संत के ऊपर में ये ऐसे फर्जी बाबा है ना, इनको सबको गुजरात सरकार से मांग किया जाए कि इनको सबको है ना फर्जी बाबा में घोषित किया जाए, और है ना इनका एक कार्ड बनाया जाए, हरा कार्ड बनाया जाए इनका कि ये सब फर्जी बाबा हैं। ये जितने स्वामी नारायण हैं, हम आदि नारायण साधु हैं, हम ये स्वामी नारायण बोलते हैं, हम आदि नारायण हैं, हमारे पास अखाड़ा, हम अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अनि अखाड़ा के महंत परमेश्वर दास महाराज बोटाज रोकड़िया हनुमान जी महाराज से घोषित करता है कि ये उल्टा सीधा आप फिर से करेंगे, हम बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं इनको कि चलो है ना ये आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, हमारे ये सनातन धर्म वाले हैं, पर ये सनातन धर्म वाले नहीं हैं, ये सनातन धर्म का विरोधी हैं, ये हमारा हनुमान जी का चाहे मेरे किसी भी देवता का अपमान करेंगे हम इनके ऊपर में इनके ऊपर में केस करेंगे। ये स्वामीनारायण, स्वामीनारायण के पास जाओ तुम, ये सीताराम के हनुमान जी हैं, राम जी के दास हैं हनुमान जी महाराज, ये बार बार ऐसे करेंगे तो हम शस्त्र भी उठाने के लिए तैयार हैं। हम अभी तक कुछ नहीं बोलता था पर अब मैं शस्त्र भी धर्म के रक्षा के लिए शस्त्र भी उठाने के लिए तैयार है, और मैं भुजा उठा करके प्रण करता हूँ क्या कि ये नहीं सुधरेंगे तो मैं इनका बद्ध कर दूंगा क्या, सनातन धर्म के लिए मैं इनका बद्ध कर दूंगा क्या, सनातन धर्म के लिए मैं इनका बद्ध कर दूंगा, शस्त्र उठाने के लिए मैं इनको तैयार हूँ, यदि नहीं माने ये तो है ना मैं इनको है ना धर्म और रक्षा रक्षिता, हम धर्म के लिए कोई भी है ना सीमा को पार करने के लिए तैयार हो जाएंगे, यदि हमारे धर्म को रक्षा नहीं करेंगे, ये हमारे धर्म को नहीं मानेंगे
तो इनको यहाँ हम रहने नहीं देंगे क्या? ये हनुमान जी सीताराम का है और ये स्वामीनारायण के पास, स्वामीनारायण जाओ, हमारे देवता का अपमान नहीं करो। मैं मीडिया के चैनल से इन्हें घोषित करता हूँ कि ये सुधर जावे, नहीं तो मैं यही रहता हूँ बोटाज में, रोकरिया हनुमान पलियाद रोड सेंटर नेशनल बस स्टैंड के पास में आ जाना। पूरा पता है मेरा 9879420738 मेरा नंबर है, लगा के भी बात कर लेना। पर मैं इनको ये नहीं सुधरेंगे तो मैं इनका माथा काटने के लिए तैयार हूँ क्या? मैं गांधी का औलाद नहीं हूँ कि तुम हमारे देश का, हमारे है ना, और है ना धर्म का अपमान करोगे। मैं सुनता रहूँ, मैं एक साधु है, संत है, हम देश के लिए कुछ भी करेंगे, हम अपना धर्म के लिए कुछ भी करेगा, पर इनको ऐसे नहीं करने देगा। जय श्री राम, सुधर जाओ स्वामी नारायण, साले मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा ऐसी तैसी कर दूंगा साले, समझ जाओ। जय श्री राम।